नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस आरोपी के पास से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। थाना प्रभारी बेलबाग प्रवीण कुमार कुमरे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति उम्र लगभग वर्ष का काली जैकेट पहने हैं, रामलीला मैदान के पीछे नाले के किनारे कच्ची शराब बेचने के लिए खड़ा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां मुखबिर के बताए हुए का व्यक्ति बिजली खंभे के पास उजाले में पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम नवीन गौरी उम्र 23 वर्ष निवासी तेल मिल के पास कुचबंधिया मोहल्ला घमापुर बताया, जो 4 डिब्बों में 60 लीटर कच्ची शराब रखे मिला, जिसे जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, कल दिनांक मजबूरी की सूचना के आधार पर एक आरोपी है नवीन गौरी, जो घमापुर क्षेत्र का रहने वाला है। ये बाइक का बगीचा जो लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर शराब बेचने के लिए खड़ा हुआ, करीबन 60 लीटर उसको शराब जब्त की गई है। 34 आबकारी 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत पकड़ बंदी रखकर इसे सक्षम न्यायालय के प्रस्तुत किया गया। हाँ, पूर्व से भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, ये चोरी वोरी में शामिल रहता था, बाकी और भी पूछताछ करके कार्रवाई की गई। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।